देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में छठवें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन हो गया। बीते तीन दिनों में फिल्मी सितारों से सजा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कई मायनों में इस बार बेहद खास रहा। तीन दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों को जहां शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, म्यूजिक एल्बम और तमाम फीचर फिल्में देखने को मिली, वहीं पर लोकल टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए तीन फिल्मों को शामिल किया गया। सबसे अहम बात यह है कि इस बार फिल्म फेस्टिवल में मां गंगा को समर्पित एक फीचर यानी एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई, जिसको बनाने वाले भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के हैं और जिसे कहा गया कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी पहचान मिली। नमामि गंगे को भी इस फीचर फिल्म के साथ देखकर लोगों ने खूब तालियां बजाई। तो कैसा रहा छठवां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, देखिए इस रिपोर्ट में। फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन मशहूर अभिनेता विनय पाठक की मौजूदगी में उनकी फिल्म चिंटू का बर्थडे से इस पूरे कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें कई बड़े नामी गिरामी कलाकार शामिल हुए। इस दौरान देहरादून में जो फिल्मों के चाहने वाले हैं फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे। देहरादून के राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी में पूरा नजारा फिल्मी दिखा। एक खूबसूरत माहौल में इस फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया, जहां सीएम ने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम उत्तराखंड में फिल्म जगत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। सीएम ने कहा कि नैसर्गिक सौंदर्य से भरे उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जा रही है। इसके लिए फिल्म जगत और अन्य क्षेत्र से जुड़े लोग सरकार को सुझाव भी दे रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजक राजेश शर्मा ने बताया कि देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्देश्य उत्तराखंड में फिल्म टैलेंट को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि हर साल यहाँ फिल्म सेलिब्रिटीज को इसी मकसद से बुलाया जाता है, जिससे यहाँ के फिल्म मेकर, नए कलाकार और उनके साथ साथ वो लोग भी अपने अनुभव साझा कर सकें जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल में इस बार उत्तराखंड आंदोलन पर बनी फिल्म दिखाई गई, साथ ही नमामि गंगे, बेजुबान जानवरों और प्रेम कहानियों सहित हॉरर फिल्म का भी दर्शकों ने लुत्फ उठाया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि फ्री टाइम इन इंडिया OTT प्लेटफॉर्म पर है, जिसे डाउनलोड कर फिल्म फेस्टिवल ऑनलाइन भी लोगों ने देखा। साथ ही फिल्म फेस्टिवल में चुनी सभी फिल्में भी इस दौरान दिखाई गईं। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बहुत ही सुसज्जित ढंग से कर रहे हैं लोग। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में ऐसी फिल्में दिखाना जो कि उत्तराखंड के जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, युवतियाँ हैं, ये लोग देखें, सिनेमा को जानें। और सिनेमा को जब तक अच्छी तरह नहीं जानेंगे तब तक उस सिनेमा के पावर को, उसकी शक्ति को नहीं समझ पाएंगे, जिसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट किया और सिनेमा उद्योग के लिए, उत्तराखंड के सिनेमा उद्योग के लिए, भारतीय सिनेमा उद्योग के लिए बहुत बड़ी बात है और ये अच्छी बात है कि इस तरह की चीज़ें हों और प्रोत्साहन देना चाहिए। देखिए, सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, तो ये अच्छा है और उससे प्रोत्साहित मिलेगा, लोग आएंगे, शूटिंग करेंगे, बाहर के लोग भी आएंगे और उत्तराखंड के जो कलाकार हैं, जो लोकल कलाकार हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगी। अभी मुझे किसी ने पूछा था कि आपको देहरादून में कोई चीज़ अगर लेके जानी हो, तो मैंने कहा था यहाँ की वादियाँ और यहाँ की हवा ले जाऊँगा, बिकॉज़ बहुत ही फ्रेश है यहाँ पे। और मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे, आप सही कह रहे हैं, और दूसरी बार भी मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही फैंटास्टिक रहा है। यहाँ के लोग मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है, जगह तो बहुत खूबसूरत है ही। और मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हों यहीं पे हो, बिकॉज़ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। जैसे कल CM साहब ने भी कहा था कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हो यहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, वो पूरी प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक बहुत ही प्रोत्साहन है हम सब के लिए कि हम यहाँ पे आके अपनी शूटिंग करें। आपको बता दें कि तीन दिनों के इस मेगा फिल्म फेस्टिवल में चिंटू का बर्थडे, रोज, नमामि गंगे जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को दिखाया गया। बड़े पर्दे पर राज्य आंदोलनकारियों का साहस भी इस फिल्म फेस्टिवल में देखने को मिला।
फिल्म फेस्टिवल के आयोजक राजेश शर्मा ने बड़े पैमाने पर इस बार फिल्म फेस्टिवल में मुंबई के सितारों को एक जगह पर इकट्ठा किया, जिनमें बिंदु दारा सिंह, आदित्य सील, अखिलेंद्र मिश्रा, आरुषि निशंक, गजेंद्र सिंह चौहान, केसी बोकारिया, मनजीत सिंह, मीता वशिष्ठ, परमजीत सिंह, विक्टर बनर्जी, विनय पाठक और तमाम बड़े कलाकार, निर्माता, निर्देशक मौजूद रहे। खास बात ये रही कि उत्तराखंड के बड़े फिल्म निर्माता निर्देशक मोहम्मद सलीम सैफी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिनकी बनाई नमामि गंगे फिल्म को लोगों ने देखा, सराहा और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मकबूलियत के गुण गाए। नमामि गंगे की सबसे ज्यादा खूबसूरती क्या है, ये जो नमामि गंगे स्टेट एंथम हमने तैयार किया है, ये सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा उदाहरण है। माँ गंगा को समर्पित ये सॉन्ग, इसे लिखने वाला भी एक मुस्लिम है, गाने वाला भी एक मुस्लिम है, डायरेक्ट करने वाला भी एक मुस्लिम है, रिलीज करने वाला भी एक मुस्लिम है, तो यानी कि ओवरऑल माँ गंगा के लिए जो हमारी श्रद्धा है, माँ गंगा एक जीवनदायिनी है जो हर किसी को जीवन देती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है माँ गंगा, तो माँ गंगा के लिए धर्म से ऊपर उठकर जो एक आस्था है उसी को हमने नमन करने की कोशिश की है और ये साबित करने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मजहब से ऊपर उठकर सभी के लिए एक दूसरे का सम्मान बहुत जरूरी है, यही संदेश देने की हमने कोशिश की है। फिल्म फेस्टिवल के आखिरी दिन टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाले उत्तराखंड के बाल कलाकारों का सम्मान किया गया। उम्मीद की जा रही है कि देहरादून फिल्म फेस्टिवल इसी तरह हर साल नए आगाज और नई बुलंदियों के साथ आगे बढ़ेगा और उत्तराखंड में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाले कलाकारों के लिए एक बड़ा मंच साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज वायरस, उत्तराखंड।